हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वह सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, जिसमें मैं बताने वाला हूं रोप ब्रेक डायनेमोमीटर। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है रोप ब्रेक डायनेमोमीटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि थ्योरी एग्जाम में हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमेशा पूछी जाती है। इसके अलावा कभी कभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, उसके जो फॉर्मूले बनते हैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा। उसके लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग की बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें डायरेक्ट जाने के लिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली से टच करना पड़ेगा, ऊपर राइट कॉर्नर में देखेंगे एक आई बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर दें तो डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट पहुंच जाएंगे। वहां पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर किसी भी क्लिक कर दें तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। इस तरह अभी तक मैंने जो वीडियो डाले हुआ है आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहां पर जो टॉपिक लिखा रोप ब्रेक डायनेमोमीटर, इसका पूरा मतलब समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डायनेमोमीटर समझ लें ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये डायनेमोमीटर है या एक मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब एक डिवाइस है जिसका यूज हम ब्रेक पावर या इंजन की शाफ्ट की पावर को मेजर करने के लिए किया जाता है। उसके लिए हमें इसकी टॉर्क को मेजर करना पड़ता है। तो ऐसा बोल सकते हैं ब्रेक पावर या उसकी टॉर्क को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह जो डायनेमोमीटर होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन टाइप और ट्रांसमिशन टाइप मेन टाइप होता है। जो एब्जॉर्प्शन टाइप डायनेमोमीटर होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, जो भी हमारी क्रैंकशाफ्ट को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है या जो पावर प्रोवाइड की जाती है, उसका यूज फ्रेंड्स जो हमारे दो पार्ट्सों के बीच में फ्रिक्शन होता है, मतलब ब्रेक जब लगाते हैं ब्रेक की पावर और जो हमारी शाफ्ट मूव हो रही उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए किया जाता है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों पार्ट्सों के बीच जब फ्रिक्शन होता है तो क्या होती है, हीट जनरेट होती है, मतलब जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वह किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। हीट में कन्वर्ट होने के बाद वह समाप्त हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स ट्रांसमिशन टाइप डायनेमोमीटर में ऐसा नहीं होता। जो ट्रांसमिशन टाइप डायनेमोमीटर होता है उसमें क्या होती है, जो एनर्जी होती है वह दूसरी शाफ्ट में ट्रांसफर हो जाती है। आज जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स रोप ब्रेक डायनोमीटर या एक एब्जॉर्प्शन टाइप का डायनोमीटर है, एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर होता है जिसमें दो पार्ट्सों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा और हीट जनरेट होगी, उससे हीट क्या होगी, समाप्त होगी। तो फ्रेंड्स ये एब्जॉर्प्शन टाइप डायमीटर रोप ब्रेक डायनोमीटर होता है, इसको आप समझते हैं। ये रोप का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर रोप मतलब होता है एक रस्सी का यूज करते हैं, किसका, एक रस्सी का यूज करते हैं जिसे रोप बोलते हैं। ब्रेक डायनोमीटर का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ब्रेक की पावर को मेजर करते हैं या निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेक डायनोमीटर। पूरा नाम क्या होगा फ्रेंड्स, रोप ब्रेक डायनोमीटर। अब फ्रेंड्स इसकी कंस्ट्रक्शन समझेंगे और वर्किंग समझेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं, एक जो हमारी क्या होती है, एक शाफ्ट होती है जिसे बोलते हैं शाफ्ट, शाफ्ट के साथ क्या होती है, पुली कनेक्ट रहती है या फ्लाईव्हील बोल सकते हैं। उसके ऊपर क्या होती है, जो हमने जैसा बताया रोप मीन्स रस्सी, उस रस्सी को लिपेटा जाता है, दो या तीन चक्कर लिपेटे जाते हैं। जो रस्सी का डायमीटर यहाँ पर लिखा समथिंग 20 से 30 mm के समथिंग होता है, उस पुली के ऊपर क्या होता है, रस्सी के दो तीन लपेटे लपेट जाते हैं। उस रस्सी का एक सिरा मतलब ऊपरी वाला सिरा एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है, किससे, स्प्रिंग से, और नीचे वाले सिरे को छोड़ दिया जाता है जिस पे बेट को कनेक्ट करने के लिए या बेट को लगाने के लिए रखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे वन और टू पॉइंट मैंने समझा दिए। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, ये जो हमारी पुली होती है इस पर जो हमने रस्सी लपेटी हुई है वह फिसले नहीं और उसकी दूरी कैसी समान रहे इस उस पे पुली पे, तो उसके लिए हम कुछ लकड़ी के ब्लॉक यूज करते हैं। जैसे यहां पर देख रहा है 1 2 3 4 ये ब्लॉक यूज करते हैं, किसके लिए, ये हमारी रस्सी फिसले नहीं और उसकी दूरी समान रहे। इसके अलावा फ्रिक्शन होने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी हीट ज्यादा बढ़ जाती है, उसके लिए हम कूलिंग का भी यूज करते हैं कि वाटर से हम क्या कर सकते हैं, इसको ठंडा कर सकते हैं। इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स, यहां पर दिख रहा है फ्रेंड्स यहां पर क्या है, मेन जो हमारे कॉलेजों में प्रैक्टिकल के लिए यूज करते हैं मशीन है, उस टाइप की मशीन है फ्रेंड्स, जहां पर रोप ब्रेक डायनेमीटर कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि हम इससे वर्किंग समझ लेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा। यहाँ पर ये पूरी मशीन है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि इस मशीन की कैसे वर्किंग होती है, कैसे पूरा अरेंजमेंट रहता है। तो इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स, अब मैं इसकी वर्किंग समझूंगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि जैसे ही क्रैंक शाफ्ट मूव होना स्टार्ट होती है, क्या होती है, इसको पावर दी जाती है तो ये क्या होती है, शाफ्ट मूव होना स्टार्ट होती है, जैसी एंटी क्लॉकवाइज मूव होना स्टार्ट होती है, उसके साथ जो पुली लगी हुई भी क्या होती है, मूव होना स्टार्ट होती है, घूमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, उसके साथ जो रस्सा लगा हुआ भी घूमता है।
अब यहां पर जो हमारी रस्सी दिख रही है, यहां पर जो रस्सी लगी उसके साथ हमारा फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? फ्रिक्शन। अब हमें फ्रिक्शन, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, मतलब फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी इसकी हम ब्रेक पावर को मेजर कर पाएंगे इफेक्टिव और सही से। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, हम इस पे जो नीचे की ओर है यहां वेट बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या? जैसे हम वेट बढ़ाना स्टार्ट करते हैं ये रस्सा टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे टाइट होता रहता तो यहां पर क्या होती है, इसकी फ्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाती। तो हमें जितने वेट पर हमें क्या करना है, इसकी फ्रिक्शन को मेजर करना या फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को मेजर करना, उतना ही हम यहाँ पर वेट बढ़ाते जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे फ्रिक्शन बढ़ती जाती है और इसकी स्पीड कम होती जाती है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन हो जाती है उतना हम वेट यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे ही इसकी फ्रिक्शन जब ज्यादा बढ़ेगी इसकी स्पीड कम हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पर हम क्या करते हैं, जो भी वेट है इस वेट को हम मेजर कर लेते हैं या काउंट कर लेते हैं या वेट करके रख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो शाफ्ट की जितनी भी स्पीड उसमें बचती है उसको टैकोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी आरपीएम में पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो रहा है उसको हम नोट कर लेते हैं एक टैकोमीटर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू। इसमें टैकोमीटर कैसे यूज करते हैं, जो शाफ्ट है उसमें टच करेंगे तो वह उसकी स्पीड दिखाने लगता है। तो एक मिनट में हम नोट कर लेते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन और फॉर्मूले समझते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें क्या डायग्राम बनाना पड़ता है, ऑलरेडी ऊपर बना हुआ था, उसके लिए कुछ डाटा कंसीडर करना पड़ता है। जैसे लिखा डब्ल्यू क्या, डेड लोड। डेड लोड यहाँ पर जो हम लोड अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं। एस क्या, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, यहाँ पर जो स्प्रिंग रीडिंग दिखाती हुआ है। डी क्या, डायमीटर ऑफ द व्हील, जो व्हील लगी उसका डायमीटर, जबकि स्मॉल डी क्या फ्रेंड्स, ये जो रस्सा लगा उसका डायमीटर। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है जो कि हमारी क्रैंकशाफ्ट के द्वारा मूव हो रहा है। अब हमें क्या निकालना पड़ता है यहाँ पर, ब्रेक पावर। ब्रेक पावर क्या होता है, वर्क डन, ये एक मिनट में किया गया कार्य होता है वह क्या होती है, इसकी पावर होती है। तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैं फ्रेंड बता चुका हूं पहले। ब्रेक पावर इक्वल टू वर्क डन पर मिनट अपॉन 60। अब वर्क, ब्रेक पावर की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है, वाट होती है या फिर जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। तो वर्क डन हम जानते हैं किसमें होता है, जूल होता है, लेकिन यहां पर मिनट कार्य दिए, मिनट को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, सेकेंड में। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 60 का डिवाइड करते हैं। इसलिए इस फॉर्मूले में वर्क डन पर मिनट बटे 60 होता है। 60 सिर्फ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका ये वर्क डन पर मिनट क्या होता, कितना फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला लिखते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो ब्रेक पावर इक्वल टू होता है डब्ल्यू माइनस एस इंटू पाई डी प्लस डी इंटू एन बटे 60। ये जो डब्ल्यू माइनस एस क्या होता है, डी प्लस डी क्या होता है, एन क्या होता है, इन सबको हम तीन तीन वर्ड में समझेंगे, इसको अलग समझेंगे, इसको अलग समझेंगे और इसको अलग समझेंगे। तो तीनों को वन बाई वन समझते हैं जिससे आपके डाटा पूरे क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड जो W माइनस एस क्या होता है, नेट लोड ऑन द ब्रेक, जो ब्रेक पर जितना लोड लग रहा है वह निकालते हैं। वह कैसे निकालते हैं, W माइनस एस, W मतलब जो यहाँ पर लोड लग रहा है, S मीन्स होता है जो यहाँ से रीडिंग नोट कर रहा है, मतलब इस ब्रेक में से इसकी जो रीडिंग जो भी नोट करेंगे उसको माइनस कर देंगे, उससे हमारा नेट ब्रेक जो निकल आएगा। तो हम इसमें जो W की यहाँ वैल्यू नोट करेंगे और इसकी नोट करेंगे, उसको कहाँ W की जगह इसका ब्रेक रख देंगे, एस यहाँ से जो रीडिंग नोट करेंगे उसको। तो डब्ल्यू माइनस एच क्या होता है, पूरा टर्म, नेट लोड ऑन द ब्रेक, ब्रेक पे जो टोटल लोड लग रहा है। अब हम पाई डी प्लस डी को समझते हैं। अब फ्रेंड्स पाई डी प्लस डी क्या होता है, यहाँ डिस्टेंस मूव्ड इन वन, एक रिवॉल्यूशन में जितनी डिस्टेंस कवर करती शाफ्ट वह डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, पाई डी प्लस डी। डी क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारी यहाँ पर पुली है उसका डायमीटर, जबकि स्मॉल डी क्या है, जो हमारे रस्से का डायमीटर। तो यहाँ पर हम इसका डायमीटर नोट कर लेंगे और जो हमारे रस्से का डायमीटर नोट करके यहाँ पर रख देंगे। एन फ्रेंड्स टर्म बचा, जो मैं हर बार बता रहा हूँ, टैकोमीटर से हम इसकी स्पीड को नोट कर लेते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में चली गई दूरी को। फिर जो भी एक मिनट में दूरी आती है उसको यहाँ पुट कर देते हैं और फिर हम 60 का डिवाइड ऑलरेडी करके रखते हैं जिससे वह सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह पूरी यूनिट बन जाती है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, वाट होता है। तो यहाँ पर हम वाट में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है भाई, इतना समझ में। लेकिन अगर हम इस रस्से की दूरी जो हमारा डायमीटर है उसको नेग्लेक्ट मान लें, मतलब इस डी को नेग्लेक्ट मान लें, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, अगर इसकी डी कंसिडर की जाती है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन अगर इसकी डी कंसिडर नहीं की जाती तो इस डी की जगह हम क्या रख देंगे, डी को यूज नहीं करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता फ्रेंड्स वह मैं बताता हूं इस तरह। फ्रेंड्स अगर इस डी को निग्लेक्ट कर दिया जाए रस्सी की डी, तो डब्ल्यू माइनस एस इंटू पाई डी एन अपॉन 60 हो जाएगा। ये डब्ल्यू बता चुका हूं, जो भी हम यहाँ लोड लगाएंगे उसको नोट कर लेंगे। एस क्या होगी, इसके अंदर जो रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेंगे। डी क्या होगा, जो हमारा पुली है उसका डायमीटर हो जाएगा। एन क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इस तरह हम ब्रेक पावर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। एक छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। मैक्सिमम वीडियो में ब्रेक के और डायनोमीटर की जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं,
उनको मैं डाल चुका हूँ। इसके अलावा मैंने डायनोमीटर का इंट्रोडक्शन नहीं डाला, तो हमने इंट्रोडक्शन जैसे कि स्टार्ट करता हूँ वीडियो तो हमेशा बताता हूँ, तो उस तरह आप लिख सकते हैं टाइप्स व्यू इंट्रोडक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स।